राजस्थान का जो चुनाव है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी सरकार आने के पहले भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान में क्या काम हुआ है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी सरकार के द्वारा राजस्थान के विकास में हमारा क्या योगदान रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे विशेष रूप से मेरे विभाग में जो 2014 के पहले राष्ट्रीय महामार्ग था वो 7498 किलोमीटर था और जो 50 साल में था उतना ही था और केवल हमारे 4 साल में वो 14465 किलोमीटर हुआ, यानी दुगना हुआ, यानी जो 50 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में हुआ। राजस्थान में ये 5 साल जब भारत सरकार के पूरे होंगे तो कम से कम 2,00,000 करोड़ रुपए हमने राजस्थान को दिए होंगे। कुछ काम पूरे हुए, कुछ काम प्रोसेस में होंगे और कुछ कामों की शुरुआत होगी। और हम जब विरासत में हमको सत्ता मिली तो करीब 13 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बंद पड़े थे। सबसे गालियां मुझे मिलती थी मंत्री बनने के बाद, वो दिल्ली जयपुर रोड की मिलती थी। कॉन्ट्रैक्टर भाग गए थे, बहुत प्रॉब्लम थे, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट थे। पर विशेषता ये रही कि लगभग हमने ये पूरे प्रोजेक्ट जो है उसको सुधारे। यानी उस समय मैं जब मंत्री बना तो 403 प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार में यूपीए सरकार के जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ थी वो बंद थे। उसमें राजस्थान के 13-14 प्रोजेक्ट थे। पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमने सब प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व किए और 3,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय बैंकों को हमने 3,00,000 करोड़ के एनपीए से बचाया। अच्छा, हमने अपने तो किए ही, पर मुझे मालूम है आप सवाल पूछने के पहले ही मैं आंखों के मुझे लोग बार बार पूछते हैं, जयपुर रिंग रोड ऐसा फंसा था जो राज्य सरकार का प्रोजेक्ट था, हमने उसको टेक ओवर किया, बैंक को पैसे दिए, राजस्थान सरकार को पैसे दिए, नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया और किसी का विश्वास नहीं था, प्रोजेक्ट लगभग पूरा हुआ है और 30 जनवरी को इस रिंग रोड पर जाने का सौभाग्य आप सबको 30 जनवरी में वो उसका उद्घाटन होगा या आपको अनुमति मिल जाएगी जो इसका आप उपयोग कर सकेंगे क्योंकि काम पूरा हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो है दिल्ली से मुंबई, और ये राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसकी विशेषता ये है कि ये टोटल 1,00,000 करोड़ का राष्ट्रीय महामार्ग है, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे 12 लेन का फर्स्ट फेज में। अब ये हाईवे जो है ये गुड़गांव से शुरू होगा और जयपुर रिंग रोड तक आएगा, वहाँ से अलवर सवाई माधोपुर और आगे फिर वो रतलाम झाबुआ से होकर बड़ोदरा से मुंबई। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच में का डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम होगा। और इस हाईवे की विशेषता ये है कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये पूरे ट्राइबल एरिया है पूरा, तो इसकी जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट थी वो 7,07,00,000 करोड़ पर किलोमीटर आती थी अगर हम दिल्ली अहमदाबाद सूरत मुंबई जाते तो, पर इसकी कॉस्ट आई है 80,00,000 रुपए पर किलोमीटर। यानी ये समझ लीजिए कि हमने इस हाईवे में 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पर बचाए। ये सीमेंट कॉन्क्रीट रोड होगा और इसकी कारण ये ग्रोथ इंजिन बनेगा। जैसे दिल्ली के नज़दीक हाईवे बने तो गुड़गांव बना, अब ऐसे 100 गुड़गांव बनेंगे और बैकवर्ड एरिया में बनेंगे, लॉजिस्टिक पार्क आएंगी, इंडस्ट्री आएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेंटर्स आएंगे, नई सिटियाँ डेवलप होगी, स्मार्ट सिटियाँ डेवलप होगी, स्मार्ट विलेजेस होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान से जाता है तो मुझे लगता है राजस्थान के विकास के लिए एक नया ग्रोथ इंजिन ये हाईवे होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 44,000 करोड़ रुपए के वडोदरा मुंबई के काम अवार्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट महीने में हम लोग गुड़गांव से जयपुर तक के टेंडर निकालकर शायद हम लोग काम अवार्ड कर देंगे और इसका लैंड एक्विजिशन लगभग पूरा हुआ है। ये 120 किलोमीटर विड्थ है, अभी मुझे मालूम नहीं हॉल की कितनी विड्थ है, शायद 10 मीटर भी होगी क्या, तो ये इससे 12 गुना बड़ा विड्थ है।
तो इस रोड पर हम चाहेंगे तो रेलवे भी चला सकते हैं, बुलेट ट्रेन भी चला सकते हैं, लैंड इज रेडी। और इसमें कोई नया इनोवेशन करके, कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर भी हम लोग कर सकते हैं। तो लैंड 120 किलोमीटर विड्थ की है और ये हाईवे बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरा, जो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और आपको पता होगा कि यमुना पर 6 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, 6 प्रोजेक्ट में 6 राज्यों में झगड़ा था। जैसे वो नगर पालिका और महानगर पालिका में सार्वजनिक नल पर बाल्टियां लेकर महिलाओं में झगड़ा होता, वैसा मैं मीटिंग बोला तो झगड़ा होता था। अब 4 प्रोजेक्ट को मैंने झगड़ा मिटा दिया है, 2 प्रोजेक्ट अभी मेरे रीच में है। इससे यमुना का पानी 160% बढ़ेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को होगा। और आज मैं चुरू में था, वहाँ कम से कम 60,000 हेक्टर पानी यमुना का उधर जाएगा, और अब कैनाल के बजाय पाइप से लेने का हमने तय किया है। दूसरा, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल है उसको भी हमने राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में कैबिनेट में अप्रूवल दिया है, जो राजस्थान के 38 डिस्ट्रिक्ट का पानी की समस्या को सुलझाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको मान्यता दी, उसके काम पर हमने शुरुआत कर दिया है। और तीसरा जो है, जो इंदिरा कैनाल है वो फूटा हुआ है, बहुत जगह पर पानी का वाटर लॉगिंग हुआ है बादल साहब के कौश में पंजाब से लेकर, अब उसको हमने कॉन्क्रीटिंग करने का तय किया है। और उसका पीरियड तो 3-4 साल का है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1.5 साल में इसका कॉन्क्रीटिंग हो। और ये कॉन्क्रीटिंग हुआ तो इसका पानी जो जमीन में जाता है वो और ज़्यादा मिलेगा, जिससे राजस्थान में लाखों हेक्टर जमीन को भी पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। तो पीने के पानी के बारे में भी राजस्थान की लगभग सभी समस्याओं का समाधान भारत सरकार ने ढूंढा है। रोड के बारे में तो मैं ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ जाओगे आप दिख रहा है आपको। कुछ प्रोजेक्ट हमने लिए अभी तक कर नहीं पाए। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कांडला से 800 किलोमीटर राजस्थान की ओर एक 60 मीटर का कैनाल बनाए, और उस कैनाल में एक तरफ जो मिट्टी आएगी उससे रेलवे के लिए सुविधा होगी, एक तरफ रोड बनेगा। और इसमें जो गुजरात से जो नदियाँ आती हैं उसका बाढ़ का पानी इस कैनाल में स्टोर करें। और डिसल्टेशन में हम 2000 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट अभी कांडला में डाल रहे हैं, सोलर और विंड का। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 3 रुपये से भी कम है, तो हम वो डिसल्टेशन प्लांट के लिए अगर सस्ते में बिजली देंगे तो बहुत सस्ता पानी अच्छा होगा। और इसको जोड़कर साल भर ये कैनाल से हम लोग ट्रांसपोर्ट भी करें, और इसके साथ जगह जगह पर रिवर पोर्ट जैसे पोर्ट भी बने, और बैकवर्ड एरिया में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिले। मैं ऑफ कोर्स ने उसका स्टडी किया है, अभी तक हम इसमें आगे नहीं जा पाए, कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी हो जाए। तो पानी और रोड के बारे में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और जो पानी ज़्यादा मिल सकता है ऐसे प्रोजेक्ट भी हमने मंजूर किए हैं। राजस्थान में बिजली पर्याप्त है, लोड शेडिंग नहीं, एक समय लोड शेडिंग बहुत था। राजस्थान में जो बंद हुए प्रोजेक्ट पड़े थे जो पुराने सरकार में, वो सब वसुंधरा जी के इसमें शुरू हो गए हैं। NHAI के प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव साइंस है, और भारत सरकार की जितनी योजना है उसका भी बहुत, आयुष्मान योजना से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना तक, सबके परिणाम आज सब जगह पर मिल रहे हैं। आज मैं जहाँ जहाँ गया था वहाँ बहुत पब्लिक रैलीज को रिस्पांस था, लोग पॉजिटिव थे, उत्साह था, और मेरा विश्वास है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी और हमारी सरकार राजस्थान में निश्चित रूप से आएगी। और दिल्ली में हमारी सरकार और राजस्थान में हमारी सरकार, दोनों जगह एक ही सरकार होगी तो यही विकास की गति भविष्य के लिए और तेजी से बढ़ेगी, और राजस्थान देश के एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्यों में काफ़ी ऊपर नंबर पर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। काफ़ी डिटेल मेरे पास है पर मैंने बताया नहीं पानी का, और इसका मैं आपको वेबसाइट पर यहाँ के मीडिया के डाल दूंगा ये सब, जो आपको बाद में मिल जाएगा।